जम्मू में एक प्राइवेट स्कूल की बस में आज अचानक आग लग गई। ये बस स्कूल के ग्राउंड में खड़ी थी, तभी अचानक बस में धुआं निकलने लगा और फिर आग लग गई। स्कूल प्रशासन के मुताबिक स्कूल के स्टॉप्स ने आग पर ही स्कूल के स्टाफ ने तुरंत आग पर काबू पाया। हादसे के बाद बस के पास कोई छात्र या शिक्षक मौजूद नहीं था। राजस्थान के बाड़मेर जिले के मियांकाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब महेशनगर हॉल्ट कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक कार्यक्रम के दौरान स्टेशन का नाम बदलने का ऐलान किया और कहा कि गांव का नाम पहले ही बदला जा चुका है और गांव वालों की भावना का ख्याल रखते हुए अब स्टेशन का नाम भी बदला जा रहा है। यूपी के मेरठ में भूमाफियाओं पर फिर योगी सरकार का बुलडोजर चला। 5 दुकानों पर आज बुलडोजर चला। अधिकारियों के मुताबिक 2020 में बिना नक्शा पास किए दुकान का निर्माण का काम शुरू, जिसे रोकने के लिए सीलिंग की गई। बावजूद इसके अवैध निर्माण जारी था, जिसके खिलाफ आज नगर निगम ने कार्रवाई की। कोलकाता में आज टीएमसी के युवा मोर्चे ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी का यह प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल और गैस की बड़ी कीमतों के खिलाफ है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर गैस सिलेंडर रखकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया लोगों की उम्मीदों का पुल। सुल्तानगंज में करीब 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल आंधी और बारिश की वजह से धाराशाही हो गया। अभी पुल का स्ट्रक्चर का कार्य चल रहा था, इसी दौरान पिलर संख्या 5 से 4 और 4 का कनेक्ट करने वाला हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। पुल गिरने की जानकारी मिलने पर सुल्तानपुर के जेडीयू विधायक ललित नारायण मंडल मौके पर पहुंचे। माना कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का हो रहा था इस्तेमाल। एमपी के टीकमगढ़ में अवैध निर्माण पर मामा का बुलडोजर चला है। शहर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। नगर निगम की इस कार्रवाई में 10 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। एसडीएम के मुताबिक नगर पालिका ने नोटिस देकर कानून के मुताबिक की कार्रवाई। शहर में दूसरी जगहों से भी अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। कानपुर देहात में पाकिस्तान के नागरिकों की संपत्ति का खुलासा। 12 गांव में अभी भी पाकिस्तान जा चुके लोगों के नाम जमीनें दर्ज हैं। इस बारे में जिला प्रशासन को अभी तक जानकारी तक नहीं। मामला सामने आने के बाद डीएम के आदेश पर ऐसे लोगों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। डीएम का कहना है कि रिकॉर्ड तैयार होने के बाद इन जमीनों को शत्रु संपत्ति घोषित करने का प्रस्ताव यूपी सरकार को भेजेंगे। उत्तराखंड में अवैध रूप से रह रहे बाहरी लोगों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर के कई इलाकों में पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है, जिसके तहत यहां बाहर से आए हुए लोगों की वेरिफिकेशन की गई। प्रीत विहार कॉलोनी में अब तक 4,600 लोगों की जांच की गई है। करीब 450 लोगों के चालान किया गया। प्रशासन ने करीब 50,000 रुपए भी वसूले हैं। दिल्ली में तेल पर वैट घटाने की मांग को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास के बाहर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता जमा हुए। बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी की गई। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प हुई। मामला बिगड़ता देख पुलिस ने आदेश गुप्ता को लिया हिरासत में। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यूपी के सरकारी अस्पतालों को दुरुस्त करने का अभियान जारी और इस बार वो खुद गाड़ी चलाकर वाराणसी के दीनदयाल राजकीय अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के औचक निरीक्षण में कई कमियां भी मिली। मशीन पर टेक्नीशियंस नहीं होने की वजह से मार्च से अल्ट्रासाउंड नहीं काम कर रहा और अस्पताल का टॉयलेट भी गंदा मिला। डिप्टी सीएम ने सीएमएस और सीएमओ को फटकार लगाई। जल्द सारी व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए। आंध्र प्रदेश के एलुरु में विधायक वेंकट राव पर गांव वालों का गुस्सा फूटा। विधायक सत्ताधारी पार्टी के नेता के मर्डर के बाद उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे और इसी बीच नाराज गांव वालों ने विधायक पर हमला कर दिया। विधायक को बचाने आई पुलिस भी लोगों के गुस्से का शिकार हुई। झड़प में विधायक पुलिसकर्मी सहित कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे में महिला की मौत पर जमकर हंगामा। परिवार वालों ने जीटी रोड को जाम कर किया प्रदर्शन। हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। सड़क पर प्रदर्शन की वजह से कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। इलाके में जाम लग गया। दरअसल बच्चियों को लाने गई महिला को पहले बाइक सवार ने मारी टक्कर और फिर पीड़ित को बस ने कुचल दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। हिमाचल प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने कुल्लू में 16 करोड़ के ड्रग्स को नष्ट किया। 160 किलो चरस, भांग के 120 पौधे और अफीम के 80 पौधों को नष्ट करने के लिए उन्हें हाई टेम्परेचर वाले बॉयलर में डाला गया। ये सारे नशीले पदार्थ 43 FIR के जरिए जब्त हुए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली। अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट के मास्टरमाइंड दिनेश उर्फ ढिल्लू को गिरफ्तार किया गया है। वो यूपी और हरियाणा में मर्डर और डकैती के कई मामलों में फरार था। दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर कौशल, मोनू और नवीन के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देता था। यूपी के बस्ती के अपहरण कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। कपड़ा कारोबारी के बेटे को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाया गया। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। किडनैपर्स ने अखंड के पिता से 50 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस के मुताबिक ये दोनों अपहरणकर्ता रिश्ते में सगे भाई हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आई सामने। यहां दो लड़कियां रिवर राफ्टिंग के दौरान नाव से नदी में गिर गई थी और नदी के तेज बहाव में बहने लगी। दोनों ने लाइफ जैकेट पहनी थी, फिर भी तेज बहाव में बह गई।
सेना के राफ्टिंग टीम के एक सदस्य ने अपनी सूझबूझ से दोनों युवकों को डूबने से बचाया। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। उदयपुर के कंटेनमेंट एरिया में लगी आग पर 3 दिन बाद भी काबू नहीं। हालात इतने विकट हो गए कि गुजरात से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को बुलाकर आग बुझाने का काम शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर ने पिछौला इलाके से पानी भरकर पानी का छिड़काव शुरू किया और इसके बाद कंटेनमेंट इलाके में आग पर तो काफी हद तक काबू पाया गया, लेकिन लपटे अभी केवराकला की तरफ फैल गई हैं। आग बुझाने के काम में सेना के जवान भी मदद कर रहे हैं। नागपुर की अगरबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी लपटें नजर आई। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फैक्ट्री का गोदाम जलकर खाक हो गया था। गोदाम में अगरबत्ती बनाने का कच्चा सामान रखा था। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। चेन्नई के डंप यार्ड में लगी आग पर 3 दिन बाद पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। 225 एकड़ में बने डंप यार्ड के 2 एकड़ के हिस्से में अभी भी धुआं उठता नजर आ रहा है। दमकल के कर्मचारी पानी की बौछार कर रहे हैं और इस बीच कॉरपोरेशन कमिश्नर गगनदीप सिंह बेदी ने डंप यार्ड पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। भविष्य में आग नहीं लगे इसलिए डंप यार्ड के कुछ हिस्से पर रेत बिछाने का काम भी किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में अचानक आग लगने का मामला आया सामने। बीरभूम के नलहाटी में सड़क के किनारे बनी दुकानों में अचानक आग लग गई। देखते देखते 5 दुकानें जलकर खाक हो गई। दमकल की गाड़ी ने पानी की बौछार करके आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दुकानों में आग लगी कैसे अभी तक इसकी वजह का नहीं पता चल सका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।